ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल। कोसी नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण नौहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर फंसे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। नौहट्टा प्रखंड के पूर्व कोसी तटबंध के भीतर करीब 7 पंचायत बाढ़ की पानी से जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस जाने से उन्हें रहने सहने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माल मवेशी के लिए चारे का भी इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। गांव मोहल्ले की लगभग सभी सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं, जिस कारण लोग की आवाजाही को लेकर नाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी सह पूर्व मैसी विधानसभा प्रत्याशी गौतम कृष्ण ने अपने समर्थकों के साथ पूर्वी कोसी तटबंधन के भीतर नौहट्टा प्रखंड के कैदली हाटी सत्तर बकुनिया डरहर पहाड़पुर पूर्णवास सहित सभी बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बाढ़ का पानी से पूरा इलाका घिर गया है और सड़कें भी जलमग्न हो चुकी है, जिस कारण इस इलाके के लोगों को आवाजाही करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस इलाके के लोगों के लिए यातायात के लिए एकमात्र सहारा नाव ही बन के रह गया है। इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीम और पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। धन्यवाद। अभी जो कोसी में पानी छोड़ा गया है, इसकी वजह से जो ये बांध के अंदर बसा हुआ है नौहट्टा प्रखंड के 7 पंचायत, यहाँ घर घर में पानी घुस गया है। जब मैं इस चीज़ों को देखा जाना तो उसको जानने के लिए और यहाँ बाढ़ प्रभावित लोगों से रूबरू होने के लिए आए। आज यहीं देखिए, यहाँ ये सड़क टूटी हुई है, यातायात का एकमात्र साधन नाव है। और देखिए, लोग अपने जनजीवन और अपने अनाज को मवेशी को सारे चीज़ों को ले जाने के लिए नाव पे आश्रित है। लेकिन दुर्भाग्य से यह मैं दुखपूर्वक सूचित कर रहा हूँ कि प्रशासन के द्वारा उचित पर्याप्त नाव का मुहैया नहीं करवाया गया है और फलस्वरूप जो कटनिया का शिकार है, जो आदमी दवा दारू के लिए परेशान है, वैसे आदमी यातायात के लिए के साधन के बिना वो बड़ी कष्ट में है। तो हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, हम सरकार से आग्रह करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे कि नौहट्टा प्रखंड में और महेशी विधानसभा के जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ पर्याप्त नाव की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए और पूरी तरह से वहाँ देख रेख की जाए। घाट पर सरकारी कर्मी को बहाल किया जाए और भ्रमणशील मोटर बोट का व्यवस्था की जाए, जिस पर मेडिकल टीम हो, ताकि लोगों को राहत है। तो मैं यही चाहूँगा कि मेडिकल टीम को तैनात किया जाए और नाव की संख्या को बढ़ाया जाए, पर्याप्त रूप से हॉस्पिटल, क्योंकि सर्पदंश से आजकल कम से कम 10-15-20 घटनाएं घटती है। तो इन चीज़ों के लिए, प्रसूति को से निपटने के लिए जो माँ बहनें हॉस्पिटल जाती हैं उनकी समस्या को लिए, इन सारे चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जी, इसमें मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि नाव की नाव दिया गया है तो वो नाव 8-9 पर्याप्त नहीं हुआ। क्या एक पंचायत, यहाँ नौहट्टा प्रखंड के 8 पंचायत बाढ़ प्रभावित है, 8 प्रभावित है, और इसमें से एक नाव से क्या एक पंचायत के आदमी को बचाया जा सकता है, ले आया जाया जा सकता है, आप ही बताइए। तो इसलिए ये एक पंचायत की जनसंख्या लगभग 8,000-10,000-12,000-15,000 तक होती है, वहाँ एक नाव से क्या होगा। एक कटनिया प्रभावित घर को उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट करना होता है तो पूरे दिन उस पर एक नाव को लग जाएगा। ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं। हॉस्पिटल की समस्या अलग है, यातायात की समस्या अलग है, दवा दारू और राशन पानी की समस्या अलग है। ऐसे में 8-9 का अगर दावा भी करती है प्रशासन तो हम मानते हैं यह अपर्याप्त है। यह 8 नहीं, कम से कम 15-20 नाव की यहाँ अत्यंत आवश्यकता है। और अन्य बातें जो भी है उसके लिए हमें और कहेंगे, सरकार को पर्याप्त रूप से ध्यान देना चाहिए। क्रिएस्टेट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर एवरग्रीन कॉम्प्लेक्स, अलकापुरी मोड़, गर्दनी पार्क, पटना। कॉन्टैक्ट फॉर बुकिंग 7004256500, 9525495555। ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रिंसियन सिटी, रानीपुर, बिसाइड पटना सिटी ओवर ब्रिज।